हेलो दोस्तों, सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए नदियों के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस ये पार्ट टू है दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस, राजस्थान SI, वनपाल, वन रक्षक, पटवारी, हाईकोर्ट, LDC, राजस्थान के जितने एग्जाम होंगे जिसमें राजस्थान GK आएगी, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है नदियों का। नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हरित श्वेत अमृत वेली, तो इसका सही आंसर होगा अमृत क्रांति। दूसरा क्वेश्चन है जुग्गर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मेनाल, गंभीरी, कोठारी, परवन। क्या होगा इसका सही आंसर? गंभीरी नदी। तीसरा क्वेश्चन है पांचना बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेड़च, सतलज, गंभीरी, माही। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? गंभीरी नदी। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मोक्ष मुंडम विश्वेश्वराय। पांचवा क्वेश्चन है अजान बांध किस नदी के किनारे स्थित है? गंभीरी, माही, मीठड़ी, उसूकड़ी। तो इसका सही आंसर है गंभीरी नदी के किनारे। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर व कहाँ स्थित है? बैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, मेनाल, भीलवाड़ा, मांगली, बूंदी, ढोलपुर में। तो इसका मांगली है सही आंसर। दमोह जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर है? तो इस दमोह जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है? बांडी, ढोलपुर में। आठवां क्वेश्चन है लवकुश जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ बना हुआ है? जाखम, प्रतापगढ़, मांगली, बूंदी, मेनाल, गंभीरी। तो जाखम प्रतापगढ़ में। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है परंतु महत्व गुजरात के लिए है, बताइए? सारे एक जैसे हैं। सही आंसर है साबरमती। दसवां क्वेश्चन है सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? माही नदी। ठीक है, ग्यारहवां क्वेश्चन है बेणेश्वर त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, बताइए? देखिए टाइम मिलता है 5 सेकंड का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों माही, सोम, जाखम। माही नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? लोधी सागर का नाका, कड़ाना बांध, कागरी पिकअप। तो इनमें तीनों बांध थे दोस्तों। इनमें से माही नदी का उपनाम क्या है? आदिवासियों की गंगा। ये सभी आंसर होंगे दोस्तों इसके बागड़ी, गंदा, कांठल, दक्षिण राजस्थान की सोनरेखा। चौदह है राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो दो बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। पंद्रहवा क्वेश्चन है माही नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसकी ट्रिक बताई थी सोम, जाखम, मोरेल, रूपारेल। तो सोम, जाखम, रूपारेल नहीं है, बाकी तीनों है। माधव सागर बांध परियोजना स्थित है? माधव सागर बांध, ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाणगंगा नदी, दौसा में माधव सागर बांध परियोजना स्थित है। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा नदी, चंबल, माही और बामणी। इनमें से क्या सही आंसर है? बाणगंगा नदी। ठीक है, विराटनगर। बाणगंगा का उपनाम क्या क्या है? इनमें से ये कौन सा उपनाम है? अर्जुन, ताला, रुंडित, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, ये सभी नाम है इसके। मेजा बांध बना हुआ है कोठारी, चंबल, मांगली, मेनाल। तो किस पर बना हुआ है? बहुत इम्पोर्टेंट है, कोठारी नदी, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सुनने टू इन्फिनिटी चैनल को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं जिससे ऐसे वीडियो आपको मिल सके दोस्तों।